दोस्तों जैसे ही आप अपने YouTube ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो आपके चैनल का प्रोफाइल नेम हुआ करता था, यानी आपके YouTube चैनल का जो लोगो हुआ करता था, ये ऊपर में कॉर्नर में आपको देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों YouTube के एक नए अपडेट आने के बाद YouTube ने अब इसको नीचे में कॉर्नर में इसको ऐड कर दिया। यहाँ पे पहले आपको एक लाइब्रेरी का ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन अभी आपको लाइब्रेरी का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिला। यहाँ पे आपको अपने चैनल का लोगो देखने को मिला है और यू नाम से ऐड कर दिया गया है। अब इस चीज को देखने के बाद बहुत सारे यूट्यूबर मुझसे दो क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे लाइब्रेरी वाला ऑप्शन था वो कहाँ गया है, हम लोग लाइब्रेरी वाले ऑप्शन को देख नहीं पा रहे हैं, इसको कैसे यूज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं कि सर हमारा चैनल लोगो जो नीचे आ गया है ना, हम पुनः फिर से इसको वापस पहले जैसे कैसे सेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दोनों सवालों के जवाब दूंगा कि लाइब्रेरी ऑप्शन आपको कहां देखने को मिलेगा और चैनल के लोगो को अगर आपका नीचे अपडेट हो गया है इसको फिर से आप ऊपर कैसे सेट करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे आपके चैनल का जो लाइब्रेरी ऑप्शन हुआ करता था वो कहाँ है, कैसे उसको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नीचे में आप अपने चैनल का लोगो देख सकते हैं, यानी प्रोफाइल का चैनल नेम आपको देखने को मिलेगा यू नाम से, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इसी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके चैनल का या आपका जो लाइब्रेरी ऑप्शन यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। ऊपर में आप देख सकते हैं कि अगर आपका प्रोफाइल नेम होगा या कोई चैनल होगा तो सब कुछ यहाँ पे नाम लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे व्यू चैनल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपने चैनल के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा स्विच अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिला है, इस पर क्लिक करके आप एक ईमेल आईडी से दूसरे ईमेल आईडी में स्विच कर सकते हैं, यानी अपने चैनल को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिला, इस पर क्लिक करके आप अपने ईमेल आईडी को मैनेज कर सकते हैं। टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड है, इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहीं पे दोस्तों देखिए आपका हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, हिस्ट्री वाला ऑप्शन व्यू वॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल हिस्ट्री आपके देखने को मिल जाएगी कि आपने किन किन वीडियो को वॉच किया है। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी देखने को मिलेगा, व्यू वॉल पे क्लिक करके आप टोटल प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यानी दोस्तों टोटल लाइब्रेरी ऑप्शन आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है योर वीडियोज डाउनलोड्स योर मूवीज गेट यूट्यूब प्रीमियम टाइम वॉच हेल्प एंड फीडबैक, सारा ऑप्शन आपको यानी लाइब्रेरी वाला ऑप्शन आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए कि आप टेंशन मत लीजिए कि लाइब्रेरी वाला ऑप्शन कहाँ गया है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब दे दूं कि आपका चैनल का लोगो जो नीचे में सेट हो गया है, ऐड हो गया है, इसको आप फिर से वापस कैसे लाएंगे, मैं लाइव दिखाऊंगा आपको, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ जाना है। अब आपको YouTube ऐप जो देखने को मिला ना, उस पर 1 से 2 सेकंड के लिए उंगली प्रेस करके रखना है, यानी होल्ड करके रखना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ लाइव। देखिए अब यहाँ पे आपको एक ऐप इन्फो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फोर्स स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसको ओके कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज एंड कैचे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड क्लियर कैचे को डिलीट कर देना है एंड क्लियर स्टोरेज को भी आपको डिलीट कर देना, यानी ओके कर देना है। अब आपको फिर से बैक आ जाना, होम स्क्रीन पे आ जाना है। अब डायरेक्ट आपको अपना यूट्यूब ऐप को ओपन करना है। देखिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, ये देखिए दोस्तों जैसे मैंने YouTube ऐप को ओपन किया, अब देखिए मेरे चैनल का लोगो यानी जो प्रोफाइल थी अब ऊपर में ऐड हो गई है, देखने को मिल गया है पहले जैसा, और नीचे में लाइब्रेरी वाला ऑप्शन भी आ गया है। इस लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप सब कुछ पहले जैसा ही यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर से मैं आपको एक बता दूं, YouTube का नया अपडेट है कि प्रोफाइल नेम जो है यानी चैनल लोगो जो है ऊपर से अब नीचे ऐड हो गया है। तो अगर ये बार बार फिर से अगर वैसा ही हो जाए तो आप इसको लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि YouTube का अपडेट हो रहा है तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते और सारा ऑप्शन आपको लाइब्रेरी वाला यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर बार बार आप इसको चेंज करेंगे, बार बार नीचे अपडेट हो जाएगा प्रोफाइल चैनल लोगो, तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। लेकिन इस तरीके से आप इस फीचर्स को यूज कर सकते हैं, लाइब्रेरी ऑप्शन भी और चैनल लोगो भी ऊपर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।